गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस मीन्स ये डेडली डिसीज़ जो पूरे संसार में, यहां तक कि इंडिया में भी ये प्रवेश कर चुकी है, तो इसके संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार ने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आपकी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स थी, इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है 31 मार्च तक, ठीक है। और 31 मार्च के बाद या उसके पहले ही अगला जो नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के अनुसार हमारी एग्ज़ाम की डेट भी हमें पता चल जाएगी। लेकिन हमें मतलब रिलैक्स नहीं होना है और हमारी तैयारी ऐसे ही जारी रखना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, ये क्लास 12th के इकोनॉमिक्स पेपर का के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे सत्य और असत्य, ट्रू एंड फाल्स इसमें पूछे जाते हैं। तो पिछले प्रीवियस ईयर में लगभग 7-8 साल से जितने भी इम्पोर्टेंट सत्य असत्य पूछे गए हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर भी कीजिएगा। दूसरी जानकारी क्या, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार का, अपने फ्रेंड्स सभी का ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी भी करेंगे। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण समान नहीं है, तो 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। आधुनिक युग में मुद्रा एक आवश्यक बुराई है, ये भी 2001 में पूछा गया था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों की प्रधानता 2012-18 में पूछा गया था। आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में 2003 में सेवा कर लागू किया गया था, ये सत्य है कि असत्य है। संसद में बजट वित्त मंत्री पेश करता है। देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंत में आपको इनकी आंसर की मैं दे रहा हूँ, मतलब इसके इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको लास्ट में मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना। क्लास 12th को जो 21 तारीख का जो पेपर था आपका, कितनी तारीख को था, 21 तारीख को जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा ले सकें और आप भी अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको इसके लिए डालूंगा, उसमें मैचिंग वर्ड्स, मतलब सही जोड़ियाँ जो गत वर्षों में पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, है ना। तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपने स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, ठीक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ़।